गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट की सेक्टर 39 की टीम ने एक युवक को गुरुग्राम कोर्ट के पास से नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सलीम उर्फ खटका के रूप में हुई है। आरोपी मेवात के नगीना का रहने वाला है। क्राइम यूनिट ने आरोपी के कब्जे से सफेद रंग के बैग में रखे हुए 500-500 के 1,87,500 रुपए की नकली नोट कब्जे में लिए हैं। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि मेवात जिले के नू इलाके में नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगी हुई है। इस फैक्ट्री के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने की तैयारी की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम ने कोर्ट के पास जाल बिछाया। क्राइम यूनिट की टीम द्वारा बिछाए गए जाल में सलीम फंस गया। तलाशी के दौरान क्राइम यूनिट को सलीम के पास से सफेद रंग के बैग से 1,87,500 के नकली नोट बरामद हुए। गुड़गांव पुलिस द्वारा एक सिंडिकेट को ब्रेक करा गया है, जो कि खासकर फेक इंडियन करेंसी को मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था। और उसके दौरान हमने एक व्यक्ति विशेष जो इसमें आरोपी है, सलीम उर्फ मटका, ये गांव मुल्थान नू मेवात का रहने वाला है, 24 साल इसकी उम्र है। इससे हमने 1,87,500 रुपये 500 की डिनोमिनेशन जो उसकी करेंसी की है, इंडियन करेंसी की, उससे इसको बरामद करा गया है। और इसके बारे में अब हम गैंता से पूछताछ कर रहे हैं। इससे पुलिस रिमांड सीख करा जाएगा और फिर गैंता से पूछताछ करके ये देखा जाएगा किस माध्यम से ये करेंसी को सर्कुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये करेंसी को छाप रहे हैं, तो संबंध में सारी जानकारी हासिल करी जाएगी और आपको बताया जाएगा। कहाँ से लेके आया था, किसको सप्लाई करना था, अब तक कितने नोट मार्केट में सर्कुलेट कर चुका है? देखिए, अभी क्योंकि इसका पुलिस रिमांड सीख करा जाएगा और रिमांड के दौरान इससे और गैंता से पूछताछ करी जाएगी, लेकिन जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें ये पता चला है कि कहीं नू मेवात के एरिया के अंदर इनको प्रिंट करा जा रहा है और इनके कुछ और अन्य साथी भी हैं जो इस जो फेक करेंसी प्रिंटिंग के लिए के अंदर संलिप्त है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर, आपने बताया नू नगीना के अंदर प्रिंट हो रहे हैं, क्या गुड़गांव पुलिस ने वहां पे रेड की, वहां से क्या कुछ बरामद किया जाए? अभी क्योंकि इसको रिमांड पे सीख हासिल मतलब लिया जाएगा और रिमांड के दौरान अभी गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि कितने और अन्य साथी इसके साथ इस घटनाक्रम में संलिप्त है और उसके दौरान उन सभी के ऊपर रेड कराई जाएगी और संबंधित जो भी चीजें इस जो फेक जो करेंसी प्रिंट करी जा रही है उसमें जो जो मशीनरी जो यूज हो रही है, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी को बरामद करी जाएगी। बहरहाल, पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से पता लगाएगी कि वह लोग कितने नोट छाप चुके हैं और कितने नोट मार्केट में भेजे जा चुके हैं, इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, इसके अलावा नोटों के लिए ये सामान कहां से लेकर आ रहे थे, इसका भी पता लगाया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।